मैंगो के सीजन में मैंगो पॉप्सिकल नहीं बनाई? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आप भी नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चों की आइसक्रीम में निकले कटी हुई उंगली, कोई छिपकली या कोई कन खजूरा, जैसे कि आजकल आप वीडियोस में देख ही रहे हैं, तो ये खुद ही नेचुरल आइसक्रीम अपने घर पे बनाइए, बच्चों को खिलाइए। गर्मी से तो राहत मिलेगी ही, साथ ही साथ आइसक्रीम का मजा भी। कच्चे आम ले लिए हैं जिसको छील के थोड़ा सा पानी डाल के उबाल लिया है। 2 सीटी लगा दी थी तो आम अच्छे से गल गए हैं। आम के पल्प को अलग कर लेंगे और गुठली को अलग कर लेंगे। नाइफ की हेल्प से या फिर किसी ठंडा होने के बाद थोड़ी हाथों की हेल्प से इसे अलग कर सकते हैं। बस सारा पल्प हमारा अलग होके तैयार है। इसके बाद 5 से 10 मिनट का काम है। फ्रेश हमने ली है मिंट लीव्स, जिसको अच्छे से हमने धो लिया था और एक एक पत्ता अलग कर लिया है। बहुत सारा हमने डाल दिया इधर मिंट लीव्स। अगर आप कुछ कलर डालना चाहते हैं तो या ग्रीन कलर डाल सकते हैं। मैंने कलर नहीं यूज़ किया है क्योंकि मैं नेचुरल बना रही हूँ आइसक्रीम। एक बड़ा हमने कटोरी डाल दी है चीनी, 1 चम्मच डाल दी हमने काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, भुना हुआ पाउडर, थोड़ा सा प्लेन नमक डाल दिया है हमने, सादा नमक, और सबको कर लिया है मिक्स। अब आपकी चॉइस है यहाँ पर। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सर में बीट कर लीजिए या फिर आप इसे हैंड ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैंने लिया है एक मिक्सर जार और अच्छे से मिक्सर में इसे पीस लिया है, बिल्कुल इसको पतला पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को आप बॉटल में अगर भर के रख देंगे तो आपका आम पना तैयार है। ठंडा होने के बाद बॉटल में भर के रख दीजिए और इंस्टेंट जब भी आपके गेस्ट आए तो उन्हें बना के पिला दीजिए। और इसी में ही थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे हम, क्योंकि अभी इसमें मीठा बहुत ज़्यादा है। पानी थोड़ा सा और ऐड करेंगे और अपने पॉपसिकल्स की जो ट्रे हैं उसमें आप इसे सेट कर लीजिए। रात भर इसे रखिए, सुबह उठ के आपकी जो कच्चे आम की पॉपसिकल है, रो मैंगो पॉपसिकल है या जिसे चुस्की भी कह देते हैं, तैयार है। इसे इंजॉय कीजिए, बच्चों को दीजिए। 5 मिनट के लिए ट्रे बाहर कर करके रख दी थी मैंने। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। कोई मुझे कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब नेचुरल चीज़ें हमारी इतनी अच्छी हैं तो हम बाहर की चीज़ें क्यों दें और इसमें फूड कलर्स क्यों ऐड करें। तो बस जी, यहाँ पर आपकी तैयार है बच्चों की चुस्की। आप इन्हें दीजिए, वो गर्मी और लू से भी बचेंगे और साथ ही साथ इंजॉय भी करेंगे।